हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरह से लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलजेब्रा, मतलब ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स को हम करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। हम उनको कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे जो हार्डली हमारा टाइम लेंगे, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स के साथ। सबसे पहले अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू a दे रखी है, तो इस केस में x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा। इस केस में हमारा x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस नंबर का कर देंगे स्क्वायर। अब देखेंगे ये माइनस है ना, तो यहां पर हमारा माइनस फोर आ जाएगा। क्लियर है, फिर से देख लेते हैं। अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स हमारा कितना होगा, इस नंबर का स्क्वायर करके माइनस साइन है तो यहां पर माइनस आएगा और फोर लिख देंगे अपने पास से, इतनी सी बात है। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या आएगा हमारा। अब देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स ये दे रखा है, x माइनस वन अपॉन एक्स ये दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम, इन दोनों को लिख देंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस फोर, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस फोर। क्लियर है, एकदम सिंपल है। ये हमारा a प्लस बी मान लो और इसको a माइनस बी मान लो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई है, सिंपल सा है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें ए क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा रख देंगे ए स्क्वायर माइनस वन और स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर माइनस फोर। क्लियर है, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर हमारा 3 है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स कितना होगा, एकदम सिंपल है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस फोर, आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4 5। अभी हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चेक करना है कैसा निकलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ए है तो ए की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर 3, तो जाएगा हमारा 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 4 5, तो ये रूट 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 रूट 5, एकदम सिंपल है। अब ये निकाल लेंगे इसका, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला दे रखा है हमारा ए स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर, तो कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस वन इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस फोर, तो 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 4 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, तो ये आ जाएगा, ये हमारे आंसर आ गए। अब इन क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा रूल है, ये रहा फॉर्मूला, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 जो कि कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 16 माइनस 4 12, तो ये आ जाएगा √12। √12 को लिख सकते हैं ब्रेक करके हम 2√3 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है हमारी 2 × 2 बताते हैं, और इसको भी हम आगे कर सकते हैं फर्दर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3 जो कि हो जाएगा 2√3 आंसर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, ये वाला फॉर्मूला रहा हमारा, तो ए क्या है हमारा यहाँ पर 4 है, तो 4 × स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो हो जाएगा हमारा 4 और स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12, और √12 की वैल्यू हमने भी निकाली 2√3, तो 4 × 2√3 हो जाएगा हमारा 8√3,
सिंपल। अब एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर माइनस वन, मीन्स फोर का स्क्वायर माइनस वन और अंडर रूट फोर का स्क्वायर माइनस फोर। तो फोर का स्क्वायर 16, 16 माइनस वन 15 इंटू फोर का स्क्वायर 16 माइनस फोर 12, रूट 12 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू टू रूट थ्री, कितना हो जाएगा 30√3 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि x प्लस वन अपॉन एक्स से स्टार्ट करने पर इस तरह के फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं, अभी हम x माइनस वन अपॉन एक्स से स्टार्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसमें हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा, वो इतना हो जाएगा, और इससे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इतना ही, इसको ऐसे ही निकालेंगे, इससे हमारे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है माइनस के साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, एक आइडेंटिटी हमारी ये बन जाती है। अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स से हम स्टार्ट करते हैं, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर हमारा a है तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस फोर। उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस फोर, और एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब रहेगा ए स्क्वायर प्लस वन और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। फोर ले लेते हैं, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर हमारा फोर है तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा हमारा, सिंपल एकदम ये आ जाएगा, मीन्स फोर का स्क्वायर प्लस फोर, जो कि क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर 16, 16 प्लस फोर 20, क्या आ गया हमारा रूट 20। इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 5, जो कि आ जाएगा हमारा 2√5, सिंपल। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, x a की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, 4 ले रखी है, तो यहां पर हमारा 4 आ जाएगा, 4 इंटू और स्क्वायर के अंदर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर, ए स्क्वायर प्लस फोर सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू रूट 20, तो ये हो जाएगा हमारा, अब देखो रूट 20 हमने निकाला है 2√5, तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2√5 इक्वल्स टू 8√5, ये आ गया। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या निकलेगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस वन और स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस फोर, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 16 प्लस 1 17 इंटू और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, ये रूट 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 17 इंटू रूट 20 की वैल्यू हमने निकाली थी 2√5, तो ये हमारा 2√5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34√5। देखिए मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं और ये अगर आ जाते हैं तो काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी a है तो x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा, तो देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसको हम अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये होता है हमारा a का क्यूब माइनस 3a, सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप तैयार करके क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना है 4 ले लेते हैं, तो x पावर 3 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 64 माइनस 12, तो आ जाएगा हमारा 52, 4 का स्क्वायर 64 और 3 × 4 = 12, 64 में से 12 गया तो बचा हमारा 52, सिंपल। एक और देख लेते हैं कि अगर हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर हमारा अगर 6 होता है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब प्लस माइनस 3 × 6, तो क्या हो जाएगा हमारा ये
सिक्स का क्यूब 216 माइनस 36 है 18, क्या आ जाएगा आंसर 198। ठीक है, इस तरह से कर लिया जाएगा। एक और देख लेते हैं, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारा 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना होगा? सिंपल है, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 37 का 21, तो हो जाएगा हमारा 322। क्लियर, इस तरह से कर सकते हैं। इसी शॉर्ट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर हमारा a है तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होता है हमारा वो ए क्यूब माइनस 3a के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि आपका इसमें यहां पर माइनस हो जाता है तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस आ जाता है। तो अगर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू हमारा a है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब जो होता है इसकी वैल्यू आती है हमारी ए क्यूब प्लस 3a। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, अगर आपका x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारा 7 है तो x का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स का जो क्यूब रहेगा वो कितना रहेगा, वो हो जाएगा आपका 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7, हो जाएगा हमारा 343 प्लस 21, तो जाएगा 364। ये आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारा 4 है तो x का क्यूब प्लस सॉरी माइनस वन अपॉन एक्स का क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 12 इक्वल्स टू हमारा 76। इस तरह से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन क्या करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर की वैल्यू अगर हमारी a है तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, वो देख लीजिए। इसमें हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2, मतलब इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे 2, ये रहता है। इस पर कुछ क्वेश्चन हैं, वो देख लेते हैं। देखिए, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमारा दे रखा है 3, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर हमारा दे रखा है 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7। अगर हमें निकालना हो यहीं से x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। अगर निकालना है हमें यहां से x की पावर 8 माइनस प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 तो क्या करेंगे, 47 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2, 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2207। इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको इसका भी निकालना है जैसे फॉर एग्जांपल 16 प्लस 1 अपॉन 16 का, तो इसकी वैल्यू ऐसी निकल जाएगी, इसका कर देंगे स्क्वायर 2209 07 का स्क्वायर माइनस 2, 22 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारी a है तो x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 कितना होगा। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, ए स्क्वायर माइनस 2 और a का क्यूब माइनस 3 है एक्चुअली, और एक और चीज आती है इसमें माइनस का a। देखिए, फॉर्मूला ड्राइव कहां से हुआ है वो बता देता हूं मैं आपको। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 तो हमारा बन जाता है क्या, ये हमारा बन जाता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स की पावर 3 तो जाता है हमारा प्लस का वन अपॉन एक्स, एक्स की वन अपॉन एक्स की पावर 2 इंटू एक्स का क्यूब क्या हो जाता है हमारा एक्स, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब ये हो जाता है हमारा वन अपॉन एक्स 6।
नहीं, ये हमारा हो जाता है 5। इस तरह से देखा जाए तो ये हमारी चीज बन जाती है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 और प्लस x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x। और हमने जो है इसमें इसकी वैल्यू तो पहले निकाल रखी है कितनी, ए स्क्वायर माइनस 2, और इसकी वैल्यू निकाल रखी है हमने ए का क्यूब माइनस 3a। अब ये जो हमारा x प्लस 1 अपॉन x है इसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी है a, तो ये हमारा प्लस का है उधर साइड में चला जाएगा तो यहां से हट जाएगा और यहां आ जाएगा हमारा माइनस का है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, उतार लीजिए इसको अनशर्ट। देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर, एक x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू जो दे रखी है हमारी वो 5 दे रखी है, तो आपका x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 जो है वो कितना आएगा, चलिए कुछ और ले लेते हैं इसमें 6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 34, 6 का क्यूब होता है हमारा 216 माइनस 18 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा हमारा 34 इंटू 216 माइनस 18 198 माइनस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 6, आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। Max coverage.